पलवल में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। उन्होंने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के लिए चुनावी समर्थन की अपील की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर भी जमकर हमला बोला। पलवल में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के लिए चुनावी समर्थन की अपील की। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पर भी जमकर हमला बोला। सीएम सैनी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी की तरफ से हुई गिरफ्तारी को लेकर कहा कि जब ईडी की तरफ से उन्हें बार बार बुलाया गया लेकिन वो नहीं गए। ईडी का पूछने का अधिकार है, अब ये तो है नहीं कि आंखें बंद करके बैठे हैं। अगर घोटालों का पैसा उनके पास आया तो बताना चाहिए था, क्यों जेल जाते, लेकिन वो तो घोटालों में कांग्रेस से भी ऊपर है। उनका ईमानदारी का चोला उतर चुका है। ये तो किसी के इशारे पे काम नहीं कर रहे। बार बार उसको बुलाया गया है, उसको कहा गया है कि पैसा जो आया है ईडी का पूछने का अधिकार है। अब ये तो है नहीं है कि आंखें बंद करके बैठे हैं। अगर भ्रष्टाचार होगा, मंच के ऊपर से खड़े होकर के बोलते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, पार्टी कट्टर ईमानदार है, परंतु दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के अंदर कांग्रेस से भी आगे निकले हैं। अगर भ्रष्टाचार में कहीं से कुछ आया है तो बताने में कोई हर्ज था, बता देते, क्यों जेल में जाते। अरे अगर उसने कुछ किया ही नहीं तो जेल में क्यों गया। सीएम नायब सैनी ने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में व्यापारियों को फोन कर मांगी जा रही फिरौतियों और जान से मारने की धमकी देने वालों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को दो टूक है, या तो इस तरह धमकी देने वाले सुधर जाएं, अन्यथा ऐसा इलाज कर देंगे कि वो याद करेंगे कि हमारे साथ हुआ क्या। बिल्कुल, ये मैंने स्पष्ट रूप से कहा था, आज भी मैं उस बात के ऊपर कायम हूँ। ऐसे लोगों को मैंने स्पष्ट ये बात कही है कि जो लोग फोन के ऊपर धमकी दे करके लोगों से उनको डराने का काम करते हैं, उनसे फरौती लेने का काम करते हैं, वो सुधर जाएं, नहीं तो उनको सुधारने का काम भी वो हम करेंगे। किसी को भी नहीं बख्शेंगे, ऐसी हालात कर देंगे कि वो याद करेंगे कि हमारे साथ हुआ क्या है। रोहतक सिरसा हिसार में हो रहे बीजेपी प्रत्याशियों के विरोध पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पुरानी वीडियोस को वायरल कर रही है जिनमें बीजेपी के प्रत्याशी भी नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा के जेल जाने को लेकर उन्होंने कहा कि ये कानून का विषय है, जिसने गलत काम किया उसके साथ कानून अपना काम करेगा। अरे पिछली पुरानी वीडियोस इनके पास मुद्दा नहीं है, इन पे मुद्दा नहीं है कांग्रेस के लोगों पे। पुरानी वीडियो जिसके अंदर अशोक तंवर की चलाई, वो बैठा भी नहीं है। आप उसको जूम करके तो देखिए भी कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, और अशोक तंवर का नाम लिख रखा है। ये इस प्रकार से झूठ फैलाना ये उचित नहीं है, उचित नहीं है। ये चुनावी उसको देख रहा है, चुनावियों का रोल। सीएम नायब सैनी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश की जिन किसानों की फसलें खराब हुई, प्रदेश सरकार द्वारा जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की राशि किसानों के सीधे खाते में जमा कराई जाएगी। किसानों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। बहरहाल यहां ये भी बताना जरूरी है कि पलवल में आयोजित विजय संकल्प रैली में सीएम के संबोधन के दौरान पंडाल में कुर्सियां खाली पड़ी रही, जिससे बीजेपी के 400 पार के नारे पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगता नजर आ रहा है। पलवल से टोटल न्यूज के लिए दिनेश कुमार की रिपोर्ट।